A very warm good morning to everyone. Myself Deepak Chauhan. I am physical education teacher in Mount Carmel School, Balachow. Today is 21st June. We are celebrating International Yoga Day. And very first, it was celebrated 2015. So I am present here for discuss about the precautions and benefits of some yoga asanas. So first, जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है भुजंगासन. भुजंगासन जिसे कोबरा पोज भी बोला जाता है. इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन की पोजीशन होती है वो स्नेक पोज टाइप की बनती है, ठीक है, कोबरा पोज. सो सबसे पहले स्टमक के बल लेट जाना है. स्टमक के बल लेटने के बाद आपका फोरहेड है वो ग्राउंड के साथ टच होना है पूरा ऐसे. बोथ हैंड्स की जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए जैसे मेरी है. सो हैंड्स की पोजीशन आपने देख ली. उसके बाद अपर बॉडी ट्रंक तक हमने अपनी अपर बॉडी को फुल अप स्ट्रेच करना है. ऊपर को हमारी जो आंखें होगी वो स्काई की तरफ होगी सीधी. फुल अप स्ट्रेच करना है हमने अपनी बॉडी को. अपर बॉडी हमारी पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए और जो दोनों पीछे जो बोथ हमारे लेग्स है उनकी जो पोजीशन है वो आप एक बार देख लीजिए, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए. तो ये था हमारा भुजंगासन. भुजंगासन के बेनिफिट जो है वो मेन है, इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इट इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड इट रिड्यूस ओबेसिटी. सेकंड इज उत्तान पदासन. उत्तान मींस रेज्ड अपवर्ड एंड पैडा मींस लेग. जो उत्तान पदासन है इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन होगा उसमें पोजीशन बनती है स्पाइन पोजीशन. तो ये आसन करना कैसे है उसका हम डेमो दे देते हैं एक बार. लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, ओके, और हमारे जो हैंड्स है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, और लेग्स भी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी है. नीज बेंड नहीं होने चाहिए हमारे. और धीरे धीरे हमने बोथ जो हमारी लेग्स है उनको अपवर्ड करना है, ठीक है, उनको ऊपर उठाना है. ये लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, फुल ऑफ स्ट्रेच. हमारे एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ना चाहिए. सो ये था उत्तान पदासन. सो उत्तान पदासन के जो बेनिफिट है, इट इज हेल्पफुल इन रिलीविंग एब्डोमिनल पेन. और इसके साथ साथ ये इम्प्रूव करती है हमारी लंग्स कैपेसिटी एंड डाइजेशन. एक्चुअली हमने लोकेशन चेंज की है डिस्टरबेंस की वजह से. सो थर्ड आसन था हमारा ताड़ आसन को पाम ट्री पोज भी बोला जाता है. पाम ट्री पोज में जो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो बिल्कुल पाम ट्री जैसा होता है ना हमारा, वैसे पोज बनाते हैं, ठीक है, उसी वैसी पोजिशन बनती है. करना कैसे होता है, हाथों की पोजिशन को ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, हाथों को सीधा ऊपर और हमारे टोज भी धीरे धीरे हम ऊपर को रेज करेंगे. फुल बॉडी होल बॉडी स्ट्रेच करेंगे ऊपर को, अपवर्ड होल बॉडी स्ट्रेच. और हमारी जो होल बॉडी स्ट्रेच होगी वो बिल्कुल टोज की पोजिशन, टोज पे होगी. तो कम से कम 10-30 सेकेंड बॉडी पोजिशन को बिल्कुल होल्ड रखना है. तो इसे हम बोलते हैं ताड़ासन या फिर पाम ट्री पोज. बस. सो बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन, इट गिव्स स्ट्रेच टू होल बॉडी मसल्स एंड इट इम्प्रूव्स गुड बॉडी पोस्चर. सो लास्ट वन इज वृक्षासन. वृक्षासन, वृक्ष मीन्स ट्री एंड आसन मीन्स पोस्चर. तो इसे वृक्ष आसन भी बोला जाता है या फिर ट्री पोज. तो वृक्ष आसन को करने का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, इसे मिलता है इंडिविजुअल पर्सन को मेडिटेशन के लिए और कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए. कॉन्सेंट्रेशन लेवल और मेडिटेशन के लिए इस आसन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. सो इस आसन को करने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें राइट लेग के नीचे वाले सोल को, नीचे वाले फुट के नीचे वाले पार्ट को, सोल को अपने दूसरे लेग की थाई के साथ ऐसे टच करना है और बोथ हैंड्स को ऊपर लेके जाना है और उनको ज्वाइन करना है. बोथ हैंड्स आर ज्वाइंट और पूरी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए. इससे मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो हाई होता ही है और इससे स्टेबिलिटी और बैलेंस एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है. तो ये आसन था वृक्षासन. Thanks to MCS School Balachow for giving me opportunity. Thank you. Have a great day.